गौतम गंभीर ने कर दी आरसीबी की गजब बेइज्जती। आरसीबी के फैंस का खौल उठा खून। विराट कोहली के बारे में कही ऐसी बात, गंभीर काबू में नहीं रख पाए अपने जज्बात। आईपीएल 2024 का 10वां मुकाबला आरसीबी और केकेआर के बीच खेला गया। इस मैच से पहले ही एक अलग सा माहौल बना हुआ था और इसकी वजह थी गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच का कोल्ड वॉर। लेकिन इस कोल्ड वॉर को हॉट करने में गौतम गंभीर ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। गौतम गंभीर के एक बयान ने आरसीबी और केकेआर के बीच होने वाले इस मैच से पहले आग में घी डालने का काम किया। गंभीर के इस बयान के बाद अब आरसीबी के फैंस का खून खौल उठा है। गौतम गंभीर ने आरसीबी के बारे में तो काफी कुछ कहा ही, लेकिन गंभीर ने विराट कोहली को लेकर भी बड़ा बयान दिया, जिसे सुनने के बाद आरसीबी के फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर है। चलिए आपको बताते हैं क्या कहा है अब गौतम गंभीर ने आरसीबी और विराट कोहली के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप आईपीएल के पक्के वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और साथ ही कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, कौन सी टीम जीतेगी इस बार आईपीएल की ट्रॉफी, कौन सी टीम जमाएगी इस बार आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्जा। गंभीर ने की आरसीबी की बेइज्जती। आईपीएल 2024 के 10वें मुकाबले में केकेआर की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी की टीम बल्लेबाजी करने आई तो फाफ डुप्लेसिस सस्ते में पवेलियन लौट गए, लेकिन विराट कोहली ने इस सीजन का अपना दूसरा अर्धशतक ठोक दिया। कोहली ने इस मुकाबले में दमदार पारी खेली, लेकिन इस मैच से पहले केकेआर के मेंटोर गौतम गंभीर ने आरसीबी और विराट कोहली को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे आरसीबी के फैंस का खून खौल उठा। इस साल गौतम गंभीर केकेआर के मेंटोर हैं और गंभीर और कोहली के बीच का कोल्ड वॉर सभी जानते हैं। गंभीर जब केकेआर के लिए खेलते थे तब उनकी और विराट कोहली की ऑन फील्ड फाइट हो चुकी है, और पिछले साल जब गौतम गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर थे तब भी उनकी और विराट कोहली के बीच मैदान पर काफी ज्यादा गहमा गहमी हो गई थी। इन दोनों की राइवलरी अलग ही लेवल की है, और अब आरसीबी के खिलाफ मैच से पहले जिस तरह से गौतम गंभीर ने विराट कोहली समेत आरसीबी की टीम पर निशाना साधा है उसका अंदाजा किसी को भी नहीं होगा। गंभीर ने साधा कोहली पर निशाना। इस बड़े मुकाबले से पहले गौतम गंभीर ने आरसीबी और विराट कोहली पर निशाना साधा। गौतम गंभीर ने कहा, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आरसीबी शायद दूसरी सबसे हाई प्रोफाइल टीम है, फ्लैम्बॉयंट टीम है। टीम में विराट कोहली, क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी रहे, फिर भी ये टीम आज तक कुछ नहीं जीती है। लेकिन उनके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड है जैसे कि उन्होंने सब कुछ जीता हो, और मैं इस तरह का एटीट्यूड नहीं ले सकता हूं। मुझे लगता है कि केकेआर ने जो तीन बड़ी जीत दर्ज की है वो आरसीबी के खिलाफ ही है। पहली बार जब आईपीएल का पहला मैच खेला गया तो ब्रेंडन मैकल्लम ने आरसीबी की टीम की धज्जियां उड़ा दी। 49 रन पर जब आरसीबी की टीम ऑल आउट हुई तो सामने केकेआर की टीम ही थी, और जब एक बार केकेआर की टीम ने 6 ओवर में ही 100 रन बना दिए तब भी सामने आरसीबी की ही टीम थी। शायद आईपीएल में इकलौती बार ऐसा हुआ है जब किसी एक टीम ने 6 ओवर में 100 रन बना डाले हों। क्रिस लिन और सुनील नरेन ने बनाए थे। हमें हमेशा लगा कि आरसीबी बहुत अच्छी टीम है, उनके पास काफी अग्रेसिव बैटिंग यूनिट रही है, क्रिस गेल, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स। इससे अच्छा बैटिंग ऑर्डर और क्या हो सकता है। अगर अपने आईपीएल करियर में मैं किसी एक चीज को चाहूं तो ये होगा कि मैं फिर से मैदान पर जाऊं और आरसीबी की टीम को हराऊं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से गौतम गंभीर ने आरसीबी और विराट कोहली को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अब गौतम गंभीर के इस बयान के बाद आरसीबी के फैंस का खून खौल उठा है और वो काफी ज्यादा गुस्से में हैं। वैसे दोस्तों, गौतम गंभीर ने तो अपने मन की बात कह दी है और आरसीबी के फैंस को गंभीर का ये बयान बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली को गौतम गंभीर को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, क्या विराट कोहली को गौतम गंभीर को इसको करारा जवाब देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है, इस बार कौन सी टीम बनेगी आईपीएल की चैंपियन, इस बार कौन सी टीम जीतेगी आईपीएल की ट्रॉफी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ क्रिकेट की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।